आज के इस लेसन में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार लहा। आज हम ट्राइड्स के ऊपर बात करेंगे। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको पार्ट बाय पार्ट समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊँगा आपको, ट्राइड्स का मीनिंग बताऊँगा। ये चार प्रकार का होता है, इसमें दो वेरिएशन होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद इसको किस प्रकार से हम कंसिडर करते हैं इसको समझेंगे, और उसके बाद इसका ही एग्जाम्पल दूंगा मैं। और ये जो आप तीन पॉइंट देख रहे हैं यहाँ, नोटेशंस प्लस थाट इज इक्वल टू फिंगरिंग, सेकेंड पॉइंट में ट्राइड्स प्लस इन्वर्जन इज इक्वल टू फिंगरिंग, थर्ड पॉइंट हमारा जो है ओनली नोटेशंस मेजर एंड माइनर। तो ये सब क्या है, ये सब के बारे में भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप कर देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत ही कोर्स स्ट्रक्चर जो हमारा है, कोर्स स्ट्रक्चर का पहला कदम आप रखने जा रहे हैं। तो हारमोनियम में भी आप बहुत ही अच्छा, देखिए कोर्स को सीखना क्यों ज़रूरी है, जब हम किसी भी सॉन्ग को किसी एक स्केल में बजाते हैं तो जैसे आप देखते हैं ना एक्सरे मशीन किस प्रकार से वो उसका छवि निकाल के दे देता है, उसी प्रकार से किसी भी सॉन्ग को आप जब बजाएंगे उसका स्केल पता हो जाएगा ना, उस वक्त वो एक्सरे मशीन की तरह आपको दिख जाएगा कि इसमें कौन कौन से कॉर्ड्स लगने चाहिए और इसमें हम किस प्रकार से फिंगरिंग करेंगे और किस प्रकार से हम बजाएंगे तो गाना हम बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब होता है तीन स्वरों का एक समूह, ठीक है, TRI 3। ट्राइड्स का मतलब होता है तीन, ठीक है दोस्तों, तीन स्वरों का एक समूह। तो ट्राइड्स कितने प्रकार के होते हैं, देखिए चार प्रकार का ट्राइड्स होता है। एक होता है मेजर ट्राइड, दूसरा माइनर ट्राइड, तीसरा ऑगमेंटेड ट्राइड और चौथा डिमिनिश्ड ट्राइड। तो ट्राइड तीन स्वरों का एक समूह को बोला जाता है, तो इसमें हम मेजर कॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, इसको मेजर ट्राइड भी बोला जाएगा, मेजर कॉर्ड भी बोला जाएगा, तो हम कॉर्ड ही बोलते हैं, मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, ऑगमेंटेड कॉर्ड, डिमिनिश कॉर्ड, ठीक है। इसका दो वेरिएशन होता है, देखिए ट्राइड्स चार प्रकार के होते हैं, मेजर, माइनर, ऑगमेंटेड, डिमिनिश। इसमें दो वेरिएशन किया गया है जिसे सस्पेंडेड 2 और सस्पेंडेड 4 बोला जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मेजर को MAJ इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, कैपिटल M होगा, और माइनर में स्मॉल m होगा, MIN, यानी कि माइनर आप समझ लीजिएगा। ऑगमेंटेड में AUG, ओनली AUG, अग लगता है, ये बाकी नहीं लगता। डिमिनिश में DIM, डिम, और उसके बाद इसमें जो सस्पेंडेड इतना लंबा नाम है तो इसको हम सस बोलते हैं, ठीक है, sus2 sus4। अब ये सब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। इससे पहले के लेसन में मैंने आपको इंटरवल के चैप्टर में बताया था कि ये माइनर सेकेंड, मेजर सेकेंड, माइनर थर्ड, मेजर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, इस प्रकार से मैंने 12 स्केल के बारे में, 12 नोट्स के बारे में, एक स्केल में 12 नोट्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वो हारमोनियम का, हारमोनियम लेसन का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें है। तो दोस्तों उसके साथ ये लिंक है, ठीक है, अभी हमको ये ही सीखना है। देखिए सबसे पहले मेजर कॉर्ड कैसे बनता है, अभी आपको समझ आ गया ट्राइड्स के बारे में, ये चार किस प्रकार से होता है, इसमें दो वेरिएशन होता है। अब इसका मतलब कैसा, मेजर कॉर्ड कैसे बनता है वो देख लीजिए। मेजर जो कॉर्ड है, मेजर कॉर्ड 1, 3 और 5 से बनता है। अब ये 1, 3, 5 क्या है, देखिए हम अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं सी स्केल में, ठीक है, ये हमारा सी स्केल है। अभी देख रहे हैं आप जो हम मेजर स्केल प्ले करते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, अगर आपको मेजर स्केल के बारे में भी पता नहीं है तो हारमोनियम लेसन्स के प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर देख लीजिए, मैं ऑलरेडी उसको अपलोड कर दिया हूं। तो देखिए सारे गामा पा धा नी सा जब हम बजाते हैं तो इसमें काउंटिंग होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी मैंने आपको बोला था मेजर कॉर्ड्स जब हम बजाते हैं तो वो 1, 3, 5 से बनता है मेजर कॉर्ड्स। देखिए मेजर कॉर्ड के आगे लिखा हुआ है 1, 3, 5, तो हमारा 1, 3, 5 हम कैसे बनाएंगे, पहला ये 1 हो गया, 2 के बाद ये 3, ये 4 के बाद 5, तो ये 1, 3, 5 आप प्रेस करेंगे तो ये हमारा मेजर कॉर्ड बन गया, ठीक है। अब मेजर कॉर्ड ये बन गया, उसके बाद कौन सा है, माइनर। माइनर में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक सिंबल है,
फ्लैट नोट बोलते हैं इसको। देखिए ये जो स्मॉल बी है इसको हम फ्लैट नोट बोलते हैं, और ये हैच का जो सिंबल है इसको हम शार्प नोट बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम कॉर्ड्स फाइंड करते हैं तो इसका मतलब वन सेमीटोन डाउन होता है, ठीक है। ये जो फ्लैट नोट का मतलब होता है वन सेमीटोन डाउन, और ये जो हमारा शार्प नोट है इसका मतलब होता है वन सेमीटोन अप, ठीक है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी आप घबराइए मत। जब मैं स्केल के बारे में बताया था आपको तो मैंने बोला था ये नेचुरल नोट्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप आएंगे तो ये फ्लैट नोट होगा, एसेंडिंग ऑर्डर में ये सब जो भी ब्लैक नोट दिख रहा है वो शार्प नोट है, ठीक है। यहाँ जो हम करेंगे, यहाँ शार्प और फ्लैट का मीनिंग थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। शार्प का मीनिंग होता है एक पिच आगे, यानी कि एक सेमीटोन आगे, और जो फ्लैट नोट होता है उसका मीनिंग यहाँ पे हमको मतलब लेना है कि एक सेमीटोन नीचे डाउन। अब देख लीजिए ये माइनर कॉर्ड्स कैसे बनता है, वन थर्ड का फ्लैट नोट, मतलब जैसे 1 3 5 से मेजर कॉर्ड बन रहा था ये भी सेम है। देखिए 1 3 5, लेकिन 3 में ये फ्लैट नोट लगा हुआ है। अब फ्लैट नोट कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया आपको कि वन सेमीटोन डाउन में जाना है, तो ये रहा 1 3 5, तो ये जो थर्ड वाला पोजिशन है एक सेमीटोन नीचे जाना है, मतलब ये रहा, इससे पहले ये वाला है। अगर मैं शार्प बोलता तो आप आगे जाते हैं, शार्प नहीं बोलना है, अभी फ्लैट नोट लेना है हमको 1 3 5, तो थर्ड का फ्लैट नोट ये रहा, ये माइनर हमारा कॉर्ड्स बन गया। तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। अब देखिए अब है अगमेंटेड, मैंने बताया था आपको AUG अगमेंटेड का अग हम लिखते हैं, तो अगमेंटेड में क्या होगा 1 3 और 5th का शार्प हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 1 3 5th नोट का शार्प, यानी कि ये मैंने बताया था आपको फ्लैट नोट जो होता है एक सेमीटोन नीचे जाता है, और शार्प नोट जो होता है वो एक सेमीटोन आगे जाता है, ऊपर जाता है। तो ये 1 3 और ये, तो ये हमारा कौन सा बन गया अगमेंटेड, ठीक है। तो इसको सी अगमेंटेड बोला जाएगा, सी स्केल में मैं बता रहा हूँ। तो ये सी मेजर स्केल है, सॉरी सी मेजर कॉर्ड है, सी माइनर कॉर्ड है, सी अगमेंटेड कॉर्ड है। अगमेंटेड के बाद हमारा डिमिनिश कॉर्ड आता है, देखिए डिमिनिश। तो डिमिनिश कैसे बनता है, 1/3 का फ्लैट और 5th का फ्लैट, देख लेते हैं हम। 1 ये 3rd का फ्लैट, ये 5th का फ्लैट, ये हमारा डिमिनिश कॉर्ड हो गया। फिर से देख लीजिए, ये मेजर कॉर्ड, ये माइनर कॉर्ड, ये अगमेंटेड कॉर्ड, ये डिमिनिश कॉर्ड, उसके बाद सस, ये रहा देखिए। अब सस 2 और सस 4 लिखा हुआ है, इसको किस तरह से हम कंसीडर करते हैं, देखिए सस यानी सस्पेंडेड, देखिए 1 2 5 लिखा हुआ है, तो ये हमारा सस 2 बनेगा, देखिए, और सस 4 1 4 5, समझ गए आप। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए ये सभी कॉर्ड्स को आपको बारीकी से प्रैक्टिस करना है। अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा सी शार्प में। सी शार्प में एग्जांपल देने का मेरा यही तात्पर्य है कि फ्लैट और शार्प में आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। जैसे ये तो नेचुरल नोट्स हैं सभी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ रखा तो इसका मैंने शार्प बोला तो आपने ये बजाया, अगर मैं यहाँ से शार्प बोलूँ तो आपको ये नहीं बजाना है। शार्प का मतलब मैंने क्या बोला आपको, एक सेमीटोन हायर, मतलब यहाँ से अगर मुझे शार्प बजाना है तो ये रहा, ये मैं बजाऊंगा, ठीक है। तो वो मैं डाउट्स आपको सी शार्प स्केल में एग्जांपल दे करके क्लियर कर दूंगा। तो अभी देखिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस क्या करना है, मेजर कॉर्ड्स, उसके बाद माइनर कॉर्ड्स, उसके बाद अगमेंटेड, उसके बाद डिमिनिश, उसके बाद सस 2, उसके बाद सस 4। तो देखिए सबसे पहले सी स्केल में आते हैं, सी मेजर कॉर्ड, सी माइनर कॉर्ड, सी अगमेंटेड, सी डिमिनिश। मतलब आप अपने दिमाग में वो सबको बिठाइएगा कि कैसे अगमेंटेड हो रहा है, कैसे डिमिनिश हो रहा है, कैसे मेजर हो रहा है, कैसे माइनर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये डिमिनिश हो गया, ये सस्पेंडेड 2, ये सस्पेंडेड 4। ये कॉर्ड्स आपको दिमाग में बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा, आपको इसी प्रकार से करना है। सी मेजर कॉर्ड, सी माइनर कॉर्ड, सी अगमेंटेड कॉर्ड, सी डिमिनिश कॉर्ड, सी सस 2, सी सस 4, ठीक है दोस्तों।
ये रहा देखिए, मेजर माइनर ऑगमेंटेड डिमिनिश्ड सस टू सस फोर। तो देखिए फिर से हम सी शार्प का एग्जांपल लेते हैं। सी शार्प में हमें मेजर स्केल प्ले करना आता होना चाहिए, तो सारे गा मा पा धा नी सा, तो हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5। काउंट कर लिया, अभी 1 3 5 में ये हमारा मेजर कॉर्ड बन गया। माइनर कॉर्ड के लिए वही फ्लैट एंड थर्ड, थर्ड वाला हमें फ्लैट नोट लेना है, यानी कि एक पिच एक सेमीटोन नीचे। तो इसका ये सेमीटोन देखिए लगा हुआ है, तो ये माइनर हो गया, ये मेजर, ये माइनर। उसके बाद मेजर माइनर के बाद हमारा क्या आता है, अगमेंटेड आता है। तो देखिए अगमेंटेड हम कैसे बजाएंगे, 1 3 और 5th का शार्प। तो ये रहा, ये 5th का शार्प, शार्प का मतलब होता है एक सेमीटोन अप। तो इसके एक सेमीटोन अप यानी ये वाला हो गया हमारा सी शार्प का अगमेंटेड। अभी सी शार्प का डिमिनिश कैसे बजाएंगे, देखिए 1/3 का फ्लैट नोट, 5th का फ्लैट नोट, ये रहा सी शार्प का डिमिनिश। अभी सी शार्प का सस टू कैसे बजाएंगे, ये रहा 1 2 5, ये सी शार्प का सस टू, सी शार्प का सस फोर, ठीक है। अभी मैंने जो इतने सारे कॉर्ड्स बताया, तो आप पूछ रहे होंगे कि सर ये सब क्या है, ये सब हमारे काम की चीज है या नहीं। दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है। एक थोड़ा सा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक आपने जो भी नोटेशंस प्ले किया है, नोटेशंस आप प्रैक्टिस करते हैं ताकि अच्छा से आप बजा सकें, इसी प्रकार से ये कॉर्ड्स को भी इन्वर्जन के डायग्राम में डाल करके उसका भी नोटेशंस बनता है, जो कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया, नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और एक बार और देख लीजिए किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अभी देखिए ये जो नोटेशंस मैंने लिखा, उसके बाद थाट लिखा, उसके बाद फिंगरिंग, ये क्या है। देखिए जो भी हम नोटेशंस प्ले करते हैं, नोटेशंस का मतलब जो आप सा सा रे रे, सारे गा रे गा मा, सारे गा मा रे गा मा पा, ये सब आप प्ले करते हैं, तो यही नोटेशंस कहा जाता है। नोटेशंस को थाट में, अब थाट क्या है, आने वाले लेसन्स में मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, एकदम ये लेसन्स जो चल रहा है एकदम स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ, और हमारे जो थाट वाला लेसन आएगा इसमें हम 10 थाट के बारे में जानेंगे, 10 थाट के बाद एक एक थाट का एक एक राग करेंगे, ठीक है। जैसे बिलावल थाट में, तो बिलावल राग करेंगे, बिलावल राग में फिर राग का परिचय मैं बताऊँगा, आरोह अवरोह पकड़ क्या होता है, राग की जाति क्या होती है। राग में भी बहुत कुछ होता है, सरगमगत होता है, बंदिश होता है, तान होता है, झाला होता है, मुरकी होता है, मतलब हारमोनियम में बहुत कुछ, मतलब बजाने का जो पैटर्न होता है, तरीका होता है, उसको हम सीखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये काफ़ी एडवांस लेवल है और मैंने गुरु किया है, मैं भी वहाँ सीख रहा हूँ। तो आपको बिना कुछ टेंशन लिए जो मैं सिखा रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करना है। तो देखिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये नोटेशंस है, ये थाट है, तो नोटेशंस को हम थाट में इंक्लूड करके फिंगरिंग अपना सेटअप करते हैं पूरे का पूरा 12 स्केल में, ठीक है। ये 12 स्केल में मैंने 12 मेंशन किया, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। अभी देखिए ये जो ट्रायड्स है, ये मैंने जो बताया आज, ये हमारा ट्रायड्स लेसन है। जब आप इन्वर्जन सीखेंगे तो इस ट्रायड को हम इन्वर्जन में इंक्लूड करके फिंगरिंग करेंगे, ठीक है, फिंगरिंग हम सीखेंगे। ये दो आप जब सीख जाएंगे ना दोस्तों, तो किसी भी गाने को, जब मैंने बोला था आपको कि एक्सरे मशीन कैसे होता है, वो पूरा दिखा देता है कि किस प्रकार से क्या क्या है, तो उसी प्रकार से आप किसी भी स्केल में, ये सब आपको पहले से अगर पता होगा तो किसी भी स्केल में जब आप सॉन्ग को पता कर लेंगे कि ये स्केल में है, तब वो उभर के आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि इसमें ये कॉर्ड लगना चाहिए, आपके फिंगरिंग भी बहुत ही स्मूथ चलेगा उसमें। और अभी देखिए थर्ड वाला पॉइंट है, ओनली नोटेशंस मेजर माइनर, जो जितने भी हारमोनियम प्लेयर हैं वो यही करते हैं दोस्तों, ये दो टो नहीं करते हैं, बहुत ही कम देखा होगा आपने इसमें फिंगरिंग, बहुत ही कम लोग करते हैं और वो उतना लेवल में बजा भी नहीं पाते हैं, उनका फिंगरिंग थोड़ा सा सही नहीं होता है। ये तो नॉर्मली जो भी करता है, देखिए ये जो नोटेशंस आपको दिया जाएगा उसको मेजर और माइनर में आपको प्रैक्टिस करना है। और इसमें देखिए ये जो स्केल सब आपको दिख रहा है, इसमें 12 स्केल में आपको नहीं प्रैक्टिस करना है। देखिए सी डी ई में प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी के स्केल में 2-4 हैं ऐसे, उसमें नहीं करना पड़ेगा। सी शार्प में आप करेंगे तो इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसमें डी शार्प में आप कर लेंगे तो आपका ये बी फ्लैट भी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ ये स्केल सब जुड़ा हुआ है, जो कि नॉर्मली हम इसमें सिखाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज के इस लेसन में आपको कुछ समझ आया होगा। ये ट्रायड लेसन को आप
एकदम ध्यान से थोड़ा सा समझ के कीजिए आने वाले लेसन्स में। अब मैं रोज मतलब एक लेसन्स आपको लाने वाला हूँ, और पहले दिसंबर से मैं फ्री क्लासेस देने वाला हूँ हारमोनियम का ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन एक ग्रुप में हम 30 लोगों को एंटर करेंगे, और जूम में क्लास होगा, बिल्कुल ही फ्री होगा। तो आज नवंबर से दिसंबर के 1 तारीख के अंदर मैं सभी लेसन्स को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।